नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केळकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि साइकेट्री में दो मुख्यतः चीज़ें होती है, एक साइकोसिस और न्यूरोसिस। तो बात करेंगे आज हम साइकोसिस पे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी व्हाट इज़ न्यूरोसिस। साइकोसिस जिसको जनरल टर्म में हम जनरली लोग बात करते हैं कि साइको हो गया है ये, पागल हो गया है ये, या फिर इसको मजाक मजाक में फ्रेंड्स एक दूसरे को बोल देते हैं कि अरे इसके इसको पागल के डॉक्टर के पास लेके जाओ, पगला गया है ये, तो साइकोसिस उसको बोलते हैं। ये टर्म इतना कॉमनली यूज़ होता है, जनरली ऐसा होता है कि पागल हो गए तो ही साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, जबकि सिर्फ 10-12% साइकोसिस दिखने को मिलता है, और न्यूरोसिस जो है वो ऑलमोस्ट 80-89% मिलता है। लेकिन ब्रॉडली जो यूज़ होता है वो पागल, यही शब्द यूज़ होता है, साइकोसिस। तो साइकोसिस और न्यूरोसिस दो चीज़ों में साइकेट्री बटा हुआ है, दो पार्ट्स में। साइकोसिस में ये मेंटल कंडीशन है जिसमें उस इंसान की मुख्यतः तीन चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। एक होता है डेल्यूजन्स, दूसरा होता है हेलुसिनेशंस, और तीसरा होता है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। इन तीन चीज़ों के बलबूते पे हम डायग्नोसिस करते हैं कि ये साइकोसिस है। अब डेल्यूजन यानी क्या? डेल्यूजन यानी फर्म फिक्स बिलीफ, यानी उस व्यक्ति का फर्म यानी पक्का यकीन होता है एखादी पर्टिकुलर चीज़ को लेके या विचार को लेके, और वो इलॉजिकल होता है फिर भी वो फर्म होता है। जैसे कि अगर मुझे कोई लोग, वो उस व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे कोई लोग मारने आ रहे हैं या मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे, अब उसका उसको अगर 10, 50, 100, 1000 भी लोग बोल दे कि नहीं तुझे घर वाले नहीं मारने वाले, फिर भी उसको ऐसा पक्का यकीन होता है कि मुझे घर वाले मारने वाले हैं। तो ये फर्म फिक्स बिलीफ है। और क्यों मारने वाले हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये इलॉजिकल है, इसलिए उसको डेल्यूजन कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के डेल्यूजन्स होते हैं, जैसे डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी यानी बड़ी बड़ी, खुद को बड़ा समझना, कुछ मैं दुनिया से अलग हूँ, भगवान हूँ, ऐसे बड़ी बड़ी बातें सोचना, इसको ग्रैंडियोसिटी बोलते हैं। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन यानी घर वाले मेरे अगेंस्ट है या कोई लोग मेरे अगेंस्ट हैं, मुझे मार डालेंगे, मुझे पॉइजन दे देंगे, मैं मर जाऊँगा, या मेरे पीछे स्पाई लगाए हुए हैं, मेरे सर्विलेंस कैमरे लगे हुए हैं, ये परसिक्यूटरी डेल्यूजन्स है। उसके साथ डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी यानी स्पाउस के बारे में सोचना कि ये मुझसे धोखा कर रही है, ये इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और उसके लिए फिर सबूत ढूंढना। डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म यानी जनरली ये डिप्रेशन में देखने को मिलता है, उसमें उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सब बर्बाद हो गया है और मैं अकेला रह गया हूँ, ऐसा निहिलिज्म होता है। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंशियलिटी, उसमें लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे बारे, उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, मुझे देख के बात कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और वो जा के झगड़ते भी हैं लोगों से, तो ये होता है रेफरेंशियलिटी। तो ये हो गया डेल्यूजन। सेकेंड है हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस यानी हमारे अलग अलग 5 इंद्रिय है, और इंद्रिय यानी सेंसेस, हम खाते हैं, टेस्ट करते हैं, हमारे हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम समझते हैं, तो और हम महसूस करते हैं, ये अलग अलग हमारे इंद्रिय हैं। तो जैसे इसमें हेलुसिनेशंस होते हैं, जिसमें एक ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, कानों को भ्रम होता है कि कोई हमें आवाज़ दे रहा है जबकि वहाँ कोई नहीं होता है, यानी उसको फीलिंग आता है, भ्रम होता है कि आजू बाजू है लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी आजू बाजू लोग नहीं हैं लेकिन उसे लगता है कि लोग आसपास में हैं, दीवार के पीछे है, घर के बाहर है, मुझसे बात कर रहे हैं, या वहाँ के लोग मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मुझे कमांड कर रहे हैं, मुझे कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, या लोग झगड़ रहे हैं बाहर, ये ऑडिटरी हेलुसिनेशंस है। जनरली विजुअल हेलुसिनेशंस जो है वो अल्कोहल में होते हैं, उसमें लोगों, वो उस व्यक्ति को दिखता है कि सामने से लोग आ रहे हैं, मुझे मारने आ रहे हैं, काठी लेके आ रहे हैं, या फिर मुझे कुछ बता रहे हैं, बुला रहे हैं, ऐसे उसको विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं।
तो ये है हेलुसिनेशंस। तीसरा है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज्ड यानी ऑर्डर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अजीब अजीब दिन भर का शेड्यूल नहीं रहता है, कुछ भी अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं, जब मर्जी आए तब नहाते हैं, जब मर्जी आए तब खाते हैं, जब मर्जी आए तब सोते हैं, निकल जाते हैं कहीं भी घर से बाहर, कभी भी रात को भी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है उनके शेड्यूल में, उनके बिहेवियर में, इसलिए उसको डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर कहा जाता है। तो ये तीन मुख्य चीज़ें हमको साइकोसिस में मिलती हैं। अब दूसरा है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ न्यूरोसिस। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्ते।